गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कल चैप्टर 8 फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाया जा रहा था। इसमें आपको पेज नंबर 56 गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, अच्छे खाने की जो हैबिट है उसे बताया जाएगा। आज आइए देखते हैं। ईट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। भोजन हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय पे इंटरवल करके हमें भोजन को करना चाहिए, ठीक है। यानी भोजन हमें निश्चित समय में ही करना चाहिए। नेवर इन बिटवीन दी मील्स, भोजन के मध्य हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलो, स्वेलो मीन्स लिखेगा निगलना। चबाना हो गया और ये निकलना, यानी कि निकलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए। भोजन को निकलने से पहले हमें अच्छी तरह चबाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, कभी भी हमें ओवर खाना नहीं खाना चाहिए, कभी भी हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ईट कॉसेस अन इस साइनेस एंड इन डाइजेशन, इससे हमें क्या होती है, बेचैनी और इनडाइजेशन मतलब पाचन की क्रिया क्या होगी, गड़बड़ जाएगी। यानी कि अन्न लिखेगा बेचैनी, बेचैनी होती है इसके में, ठीक है। ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, हमें क्या करना चाहिए, भोजन खाने में हरी सब्जियां और फलों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। हमें खाने में हरी सब्जियां और फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अगला है, यू शुड वॉश योर माउथ एंड क्लीन योर टीथ आफ्टर एवरी मील्स। प्रत्येक भोजन को करने से पहले हमें पहले अपने मुंह को धुलना चाहिए और अपने दांतों को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, यानी क्लीन मतलब साफ करना चाहिए। हमें प्रत्येक भोजन को करने से पहले अपने मुंह को धोना चाहिए तथा दांतों को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। लास्ट है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी को अधिक मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। देखिए प्रिपेयरिंग फूड, देखिए भोजन प्रिपेयर कैसे करते हैं, ओनली ए फ्यू काइंड्स ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स सम वेजिटेबल्स एंड नट्स आर ईटन रॉ। देखिए ओनली ए फ्यू काइंड्स ऑफ फूड, देखिए भोजन के बहुत कुछ ही प्रकार हैं जो कि हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि फ्रूट यानी फल, सम वेजिटेबल कुछ सब्जियां, एंड नट्स एंड ईटन रॉ, इसे हम क्या करते हैं, कुछ को हम रॉ यानी उस तरह से भी खा सकते हैं बिना पकाए। मोस्ट ऑफ द फूड्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और ज़्यादातर जो होते हैं भोजन उसे क्या किया जाता है, खाने से पहले पकाया जाता है, यानी पकाने के बाद खाया जाता है। कुछ जो होते हैं उसे रॉ यानी बिना पकाए ही हम उसे खा सकते हैं, जैसे कुछ हरी सब्जियां होती हैं जो कि बिना पकाए ही खाई जा सकती हैं, है ना, यानी कि, और कुछ जो होती हैं उसे पका करके खाई जाती हैं, ठीक। देखिए सम फूड्स सच एज राइस एंड पोटैटोस आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, कुछ भोजन सच एज इस प्रकार जैसे राइस पोटैटोस, ठीक है, आलू, यह सब कुक करने के
के बाद यानी पकाने के बाद ही खाया जाता है, यानी चावल और आलू, इसी प्रकार अनेक जो सब्जियां हैं और सब्जियां जो कि पका करके खाई जाती हैं। एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड, आइए देखते हैं क्या लाभ है, क्या लाभ है भोजन पकाने के। पहला है कुकिंग मेक द फूड टेस्टी, उसे पकाने पर क्या हो जाता है, वह भोजन टेस्टी यानी स्वाद हो जाता है उसमें। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, भोजन पकने के बाद बहुत सॉफ्ट यानी मुलायम हो जाता है एंड इजी टू डाइजेस्ट, और पचने में क्या होता है बहुत सहायता प्रदान करता है, बहुत ही आसानी से क्या करता है वह पच जाता है। भोजन पकने के बाद क्या होता है बहुत ही मुलायम हो जाता है और पचने में क्या करता है बहुत आसानी से वो पच जाता है। और देखिए इसके आगे देखिए, कुकिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, भोजन में जो जर्म्स उपस्थित रहते हैं वह पकाने पर क्या हो जाते हैं मर जाते हैं, ठीक है। यानी कुकिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, यानी भोजन में जो जर्म्स उपस्थित हैं वह पकाने पर क्या हो जाते हैं मर जाते हैं। इट मेक्स द फूड हार्मलेस, ठीक है, इट मेक्स द फूड हार्मलेस, इससे क्या हो जाता है वह भोजन हानिकारक से बच जाता है, ठीक है, हार्मफुल नहीं होता है। वे ऑफ कुकिंग फूड, आइए कुकिंग फूड का वे देखते हैं कौन कौन से रास्ते हैं। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग फूड, भोजन पकाने के बहुत से मेथड हैं। सम आर गिवन बिलो, कुछ नीचे दिए गए हैं, कुछ नीचे दिए गए हैं जिससे भोजन पकाया जाता है। बॉइलिंग एंड स्टीमिंग, आइए देखते हैं कैसे उबाल कर और भाप देकर भोजन पकाते हैं। वी कुक राइस पोटैटोस पल्स आर बाई बॉइलिंग एंड स्टीमिंग, देखिए वी कुक राइस, हम लोग चावल पोटैटोस, ठीक है, टमाटर पल्स आलू आलू और पल्स दाल बाई बॉइलिंग एंड स्टीमिंग, इसे हम कैसे पकाते हैं उबाल करके, कैसे पकाते हैं इसे हम उबाल करके पकाते हैं और भाप देकर। देखिए दूसरा है रोस्टिंग पीस भूनना, क्या होता है रोस्टिंग पीस भूनना होता है, लिख लीजिएगा इसे, भूनना। वी कुक फ्लैश पनीर टिक्का पॉपकॉर्न बाई रोस्टिंग, देखिए रोस्टिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं पनीर टिक्का पॉपकॉर्न यह सब किसके द्वारा पकाया जाता है रोस्टिंग के द्वारा पकाया जाता है। चपाती मेड बाई रोस्टिंग, और जो रोटी है वह भी किसके द्वारा रोस्टिंग के द्वारा बनाई जाती है। डीप फ्राई, देखिए गहरा तलना, देखिए वी कुक पूरी पकौड़ा फ्रेंच फ्राइज ईटीसी बाई डीप फ्राई, देखिए हम लोग पूरी पकौड़ी फ्रेंच फ्राइज ये सब क्या करते हैं उसे गहरे तलते हैं, उसको कैसे तलते हैं उसे गहरे तलते हैं यानी डीप फ्राई करते हैं। सैलो फ्राई यानी कि उथला हुआ जो फ्राई है, देखिए उथला उथला जो है सैलो भी लिखिएगा उथला उथला सैलो बाई सैलो फ्राइंग, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं पराठा बनाते हैं, ठीक है, और डोसा बनाते हैं, यह सब कैसे बनाते हैं उथला फ्राई के जरिए हम लोग बनाते हैं। बेकिंग का देखिए, बेकिंग में क्या होगा पकाना होगा, ब्रेड एंड केक्स आर कुक्ड बाई बेकिंग, बेकिंग के जरिए किसको पकाते हैं ब्रेड और केक, ब्रेड और केक को कैसे पकाते हैं बेकिंग के जरिए हम लोग इसे पकाते हैं, यानी बेकिंग के जरिए ब्रेड और केक को हम पकाते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर वे ऑफ कुकिंग फूड, वी शुड नॉट वॉश वेजिटेबल एंड फूड आफ्टर कटिंग बिकॉज इज डूइंग सो सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट, हम लोगों को सब्जियां वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स धुलने के बाद आफ्टर कटिंग बिकॉज, देखिए हमें सब्जियों को काटने के बाद धुलना
सभी सब्जियों को हमको काट करके तब धुलना चाहिए, सॉरी धुल के तब काटना चाहिए, काटने के बाद उसे नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो उपस्थित विटामिन और मिनरल होते हैं वह क्या होते हैं, धुलने से नष्ट हो जाते हैं। वाइल कुकिंग फर्स्ट टेक इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज नॉट थ्रोन अवे। हम जब भोजन को पकाते हैं तो पहले उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, सो दैट द वाटर विच हैज एब्जॉर्ब, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उसमें क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फूड इज नॉट थ्रोन अवे, भोजन को नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट वॉस अवे न्यूट्रिएंट्स। देखिए जब वो भोजन ज़्यादा पक जाता है ना तो क्या हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं कि वो धुल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स धुल जाते हैं। प्रिजर्विंग फूड ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फूड फूड गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम सच फूड गिव्स फ्यूल स्मेल एंड टेस्ट। जो सभी फल वेजिटेबल्स जो भोजन है पके हुए गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो रूम का टेम्परेचर होता है इससे जो फूड गिव्स हमें क्या होता है, फ्यूल स्मेल, कुछ स्मेल देने लगता है एंड टेस्ट में भी क्या होता है अंतर। दिस इज बिकॉज बैक्टीरिया एंड फंगी स्टार्ट ग्रोइंग इन इट। क्यों, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वह उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं, उस पर बैक्टीरिया जो तो है फंगी है वह उन्हें स्टार्ट होते हैं। मेक्स द फूड अनफिट टू ईट, इसलिए वो क्या करते हैं, भोजन को अनफिट तरीके से वो क्या करते हैं, खाने लगते हैं। द स्टोरेज ऑफ फूड बाई स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। हमें क्या करना चाहिए, भोजन को स्टोरेज इकट्ठा करना चाहिए, उसे रखना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंगी इज कॉल्ड, देखिए मैंने कि जो बैक्टीरिया है फंगी है वह ग्रोथ वहाँ पे ना कर सके उसे ही हम कहते हैं प्रिजर्वेशन, ठीक है। द डिफरेंट वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन बाई कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर। हमें क्या करना चाहिए, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, ऐसे लो टेम्परेचर पर, ठीक है, यानी कि कम टेम्परेचर पर हमें भोजन को उसमें रखना चाहिए। दूसरा है बॉइलिंग, बॉइल करना। तीसरा है साल्टिंग यानी मैंगो पिकल। चौथी है कैनिंग एंड बॉटिंग, ठीक है। ई है मतलब बॉटल में भर लीजिए, सॉस इससे जैम है, ये सब क्या करते हैं बॉटल में भरते हैं। ई है डिहाइड्रेशन ड्राइंग ग्रेप्स टू गेट राइस। एफ है कीपिंग इन शुगर सीरप, ठीक है, इसे क्या करना चाहिए शुगर सीरप में। नीड फॉर एक्सरसाइज, आइए अब देखते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज किस के लिए क्या हो सकता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज क्या है, बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प आवर बॉडी टू वर्क वेल, इससे क्या होता है हमारी जो बॉडी शरीर है वह अच्छी तरह से कार्य करती है। इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, इससे क्या होता है हमारे जो मसल्स हैं वह बहुत मजबूत होते हैं, इससे हमारे जो मसल्स होते हैं वह बहुत मजबूत होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज आल्सो कीप अस हैप्पी एंड एक्टिव, अगर रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो वह क्या करेगा, हमें हमेशा खुश और एक्टिव रखेगा, क्या करेगा हमें खुश और एक्टिव रखेगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक अस टायर्ड, देखिए यदि एक्सरसाइज में कमी करेंगे तो क्या करेंगे, टायर्ड एंड थका हुआ महसूस करेंगे, लेजी एंड ओवरवेट और ज़्यादा वेट महसूस करेंगे। यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इससे हमको क्या महसूस होगी, इससे हमें यह महसूस होगा कि हम टायर्ड यानी थके हुए महसूस करेंगे और ओवरवेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा और लेजी बहुत सुस्तीपन हमें महसूस होगा, बहुत सुस्तीपन महसूस होगा, यही हमारा एक्सरसाइज होगा। देखिए एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट टाइम पे कराए जाएंगे, ये जो पढ़ा दिया गया इसे आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे फिर एक्सरसाइज कराया जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसे एक जगह चैप्टर जब स्टार्ट करेगा क्वेश्चन आंसर तो वर्ड मीनिंग में जितना लिखा जाता है चैप्टर में वह एक जगह इकट्ठा करके आप इसे लिख लिया करिए, ठीक है, क्या किया करिए, इसे लिख लिया करिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वर्ड मीनिंग जरूर होना चाहिए, ठीक, वर्ड मीनिंग लिखने के बाद ही उसे क्वेश्चन आंसर लिखा करिए, ठीक, थैंक यू।